मध्य प्रदेश में केंद्र की तरह ही 28% महंगाई भत्ते के साथ अब अलग अलग विभागों के कर्मचारी द्वारा नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में कृषि संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, कर्मचारियों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा। ग्रैंड भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति निर्देश 2018 का लाभ विभागीय सेटअप बनवाकर, निश्चित रूप से मैं विभागीय सेटअप बनवाऊंगा और इसको भी मैं बैठक लेकर और निर्देश देकर और इसको मेरे अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं आपके 1996 में महापुआ योजना वुमेन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट परियोजना के अनुबंध युक्त कर्मचारी, उसमें से कितने लोग हैं आप लोग? कृषि विकास अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों को भी नियमितीकरण किया जा सकता है। इसमें भी वे जो नियमानुसार हुए और जो आपकी नियुक्ति हुई थी उस समय जो शर्तें थी उनने सबको नियमों को लागू कराने में पूरा प्रयास किया। निश्चित ने भी छात्र राजनीति की है, विद्यार्थी परिषद से ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे, किसानों की समस्याओं का संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपकी जायज मांगे हैं, समस्या भी है और फिर अब 10-10 साल हो गए तो 3 साल में तो जैसे भी सब। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।